बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। हुकूमत की जानिब से एहसास प्रोग्राम वालों के लिए न्यू अपडेट आ चुकी है। इन तीन किस्म के लोगों को एहसास प्रोग्राम से निकाला जा रहा है। तो नाज़रीन, अगर आपने पहले एहसास प्रोग्राम में अप्लाई किया हुआ है, आप रजिस्टर हैं और आपने इमदाद भी हासिल की हुई है, तो अगर आप इन तीन में से कोई भी गलती करते हैं तो आपको एहसास प्रोग्राम से निकाला जा सकता है। तो पहले भी एहसास प्रोग्राम में 36 लाख खानदानों को निकाला गया है, तो आप ये किस तरह से चेक कर सकते हैं कि आपको निकाला गया है या नहीं, तो आज की इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे और उसके बाद वो तीन किस्म के वो लोग भी बताएंगे जिनको एहसास प्रोग्राम में न्यू अपडेट के मुताबिक अब इमदाद नहीं दी जाएगी। नंबर वन, ऐसे अफराद को नाअहल किया जाएगा जिनके पास कोई गाड़ी वगैरह है। तो गाड़ी से मुराद सिर्फ कार वगैरह नहीं है, अगर आपके पास वैन है या बस है या अगर आपके पास ट्रक है, तो इस तरह की कोई हैवी गाड़ी अगर आपके पास मौजूद है तो आपको एहसास प्रोग्राम से निकाल दिया जाएगा। नंबर दो, पहले आपने एहसास प्रोग्राम में अप्लाई किया था और आप मोबाइल भी यूज़ करते थे, तो उस वक्त जो है आपका अखराजात जो मोबाइल के थे, आपका जो बिल वगैरह था, अगर वो 1000 से ज़्यादा भी था तो आपको जो है एहसास प्रोग्राम में अहल रखा गया था और आपको इमदाद भी दी गई थी। लेकिन अब न्यू अपडेट के मुताबिक ऐसा नहीं है, और अगर आपने अब एहसास प्रोग्राम में अप्लाई भी किया हुआ है और आप मोबाइल भी यूज़ करते हैं, तो आपका जो मोबाइल के अखराजात हैं, आपका जो माहाना मोबाइल का बिल है, और अगर वो 1000 से ज़्यादा है तो आपको एहसास प्रोग्राम से निकाल दिया जाएगा। तो नाज़रीन, नंबर तीन पे वो लोग आते हैं जिनके कोई बैंक अकाउंट वगैरह मौजूद हो। तो अगर आपका कोई बैंक अकाउंट मौजूद है और उसमें 12000 से ज़्यादा रकम मौजूद है, अगर आपको एक साल हो गया है आपके बैंक अकाउंट में और उसमें आपकी रकम जो है 12000 से ज़्यादा है, तो पहले आपको एहसास प्रोग्राम में अहल किया जाता था और आपने इमदाद भी ली होगी, और अगर नहीं ली तो इस न्यू अपडेट के मुताबिक अब भी आपको इमदाद नहीं मिलेगी और आपको एहसास प्रोग्राम से नाअहल कर दिया जाए। और इसी के साथ ही न्यू अपडेट के मुताबिक यह भी कहा गया है कि ऐसे अफराद जिनकी कोई सरकारी जॉब वगैरह है या उनकी अहलियाँ जॉब करती हैं सरकारी, तो उनको भी एहसास प्रोग्राम से नाअहल कर दिया जाएगा। तो नाज़रीन, ये वो अफराद हैं जिनको एहसास प्रोग्राम से निकाला जाएगा, और अगर आपके पास भी इनमें से कोई चीज़ भी मौजूद है तो आपको भी एहसास प्रोग्राम से निकाल दिया जाएगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि आप दोबारा अप्लाई करेंगे तो फिर भी आपको इससे इमदाद नहीं दी जाएगी, क्योंकि अब न्यू अपडेट के मुताबिक अगर इन चारों में से कोई भी एक चीज़ आपके पास मौजूद होगी तो आपको एहसास प्रोग्राम से निकाल दिया जाएगा और आपको इमदाद भी नहीं दी जाएगी।